साथ जुड़े हुए हैं मनिहारी के विधायक, कांग्रेस से हैं, और जानने का हम प्रयास कर रहे हैं सर से कि ये विधानसभा में एक पारित हुआ है छात्रों को लेकर प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर, इस पर सर एक कानून जो विधानसभा में पास हुआ है उसको उसको लेकर सर आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? कानून तो बनना ही चाहिए जी, इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। अच्छा, तो पार्टी में जो भी हो, लेकिन सामान्य बात जो है उसके लिए लड़के के जीवन के साथ निश्चित रूप से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत करके लोग जाता है, लिख करके इसके बाद इसको उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो जो सही आदमी है वो नहीं पहुंच पाता है, जो पैसा देने वाला है पैसा लेके पैसा देकर अपना क्लियर करा के निकल जाता है, ये बहुत गलत बात है। ये माफिया लोग जो प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं उसको बेच देते हैं, जो जन्मीन विद्यार्थी है सर, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानून बना है तो आपको नहीं लगता है सर कानून बनने में बहुत देरी हो गई है? तो बाद में लोग देखता ही है, जब कोई उपाय नहीं है तो कानून बना, लेकिन अब इसका कितनी कड़ाई से पालन किया जाता है ये भी देखना पड़ेगा ना सर। सर आप जिस क्षेत्र से विधायक आते हैं सर, आपने भी उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, तभी आपको लोग वोट देके सर विधानसभा में भेजे हैं आपको। मनोहर प्रसाद सिंह एक नामी चेहरा मनियारी से हैं सर, आप पे बहुत लोग जनता विश्वास जी जी मतलब युवाओं के साथ जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जन्मीन विद्यार्थी हैं, जो गरीब कैंडिडेट है उसको आना चाहिए। ये जो कानून बना है क्या आपको लग रहा है धरातल पे ये काम हो पाएगा? नीतीश कुमार जी ने कानून तो बना दिया, लोग अपना सेफ बचाने के लिए भी बना देते हैं कि हमारा फेस सेफ हो, लेकिन हम कहते हैं उसको कड़ाई से पालन कीजिए, तभी इस कानून का कोई वैल्यू नहीं है। कानून तो दहेज का भी कानून बना के रखा हुआ है, हाँ दहेज रुक रहा है। अच्छा अच्छा, क्या कानून पता है सर? आप विधानसभा में मौजूद थे तो थोड़ा आप हमारे जनता को ये बताइए। कानून बना है कि जो इसमें सहायता करेगा, जो अगर हम जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं जी, हम उसके साथी हैं, मदद कर रहे हैं, अगर हम इसको पेपर लीक करेंगे तो उसके लिए तो भारी सजा दी गई है, 10 साल की सजा हो जाएगी, 1 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा, 10 साल की जेल भी है, संपत्ति जब्त भी है। हमें वो ठीक है, संपत्ति जब्त जरूरी था, कानून होना चाहिए, कानून मतलब जरूरी है, मतलब इसका आप मतलब समर्थन करते हैं। लेकिन आपने एक बात और कही है कि इस कानून को कितना सही से लागू होता है ये देखना होगा। कानून को सारे के पालन कीजिए, चाहे जो भी हो अपना उत्तर है जो भी हो, अगर इसमें हित है तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये गरीब है सर, जो ये जो कानून बनाया गया, सभी एग्जाम बिहार सरकार के जितने भी एग्जाम है सिर्फ उस पे लागू होता है या फिर यूपीएससी का एग्जाम? यूपीएससी एग्जाम जो बिहार में होता है सर, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए। जितना एग्जाम होता है सब पर लागू, बिहार में मतलब जितने भी एग्जाम होंगे उसमें लागू है, सब लागू हो जाएगा। जो मतलब छोटे से जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम होता है सर, कोई भी हो या जो ITI का होता है या मेडिकल का होता है या जो कुछ एग्जामिनेशन होता है वो जो लीक करेगा तो सब लागू हो। मतलब बिहार गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है या फिर बिहार में जो भी सेंटर पड़ता है, चाहे TLED हो या TET हो या BED हो या सारे एग्जाम पे लागू हो गया? विस्तार में या जैसे मैट्रिक की एग्जाम होती है उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो उसपे भी जाएगा, इंटर पे सर देखिए बड़ी बात है सर, आप विधायक हैं और आपकी बात को ज्यादा पसंद करेंगे, इसीलिए थोड़ा लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं कि जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, जैसे पटना में पढ़ते हैं, कटिहार में पढ़ते हैं सर, गाँव से निकल के पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं सर। गरीब आदमी है, इसी तरह पढ़ के गया है, एग्जामिनेशन की तैयारी की है, रात दिन एक करके किया है, अब उसको पैसा नहीं है तो पेपर लीक हो जाएगा तो पैसा वाला तो जाके बाजी मार लेगा, वो कहाँ जाएगा बेचारा गरीब आदमी। सर एक बात और आपसे, ये तो प्रश्न पत्र लीक की बात हो गई और आप कांग्रेस से विधायक हैं,
हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सर, बिहार में सिर्फ टीचर बहाली पे ही राजनीति क्यों होती है और कोई बहाली नहीं है सर? ब्लॉक में अधिक पद खाली है, इंजीनियर का पद खाली है, हर क्षेत्र में खाली है, उसको क्यों नहीं भरा जाता है सर? आप क्यों नहीं विधानसभा में इस चीज को उठाते हैं सर? नहीं, इसको तो देखिए इतनी वैकेंसी है कि इसको अगर चाहे तो आदमी वोट करता है, लेकिन वैकेंसी तो करता नहीं, धीरे धीरे करता है। उसी में तो इलेक्शन आ गया, तो तरह की समस्या आ जाती है, लोग किसी में डूब जाता है और पेंटिंग दे जाता है, यही दिक्कत हो जाती है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम हो कि इतना पोस्ट हमारा वैकेंट है, हम उसका नौकरी निकालेंगे कार्रवाई करेंगे, तो हो जाएगा जी। लेकिन आपसे हमारा रिक्वेस्ट है सर, मतलब युवाओं के, कटिहार हमारा घर पड़ता है समेली प्रखंड के खैरा पंचायत में, तो हमारे चैनल में बहुत दर्शक है, मेरा चैनल सर इंजीनियर अमित पंडित कटिहार लाइव न्यूज है सर, और काफी लोग देखते हैं और हमसे पूछते हैं कि कभी आप विधायक से सवाल पूछिए कि युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख के डिग्री बेकार हो रहा है सर। आज एक सर पुल पे कोई लड़का था, उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वो अपने डिग्री को पानी में फेंक रहा है सर। क्या हमारा बिहार सर जी बताइए, बिहार कोशिश तो करनी चाहिए, बिहार में एम्प्लॉयमेंट बहुत खराब स्थिति में है जी, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं जी, युवा को संसाधन मिला है तो मान लीजिए सरकार ने दे दिया आपको इतना पैकेज दे दिया, अब जो आपको इसमें दिल के काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहिए। अभी जैसे टीचर का आपने वैकेंसी निकाला, बहुत अच्छा है सर कि इतने लोग हुए, लेकिन सर और तो है विद्यार्थी सर, और पद में खाली, उसपे होने चाहिए डॉक्टर ही नहीं, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, अब मन यारी में हॉस्पिटल है उसमें 5 डॉक्टर है, 22-23 पोस्ट है, इसी तरह का है, तो एक डॉक्टर कितना काम करे जी। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ये थे हमारे साथ में जुड़े हुए मनोहर प्रसाद सिंह जो मनिहारी से विधायक हैं, चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।